भाई तब डालू? रुक एक मिनट मनसुख भाई, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने है, बाइक पे है, हेलमेट पहने, बोलो तो टपका दूं? हेलमेट उसे एक्सीडेंट से बचा सकता है, हमसे नहीं बचा सकता। जाओ उसका पीछा करो, मैं भतीजों को लेके आता हूं। हेलो, कहा है वो? उसने फ्लाईओवर पर चढ़कर लेफ्ट टर्न ले लिया, गाड़ी से उसकी बाइक को ठोक दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम बाप जी अपने हाथों से करेंगे, तुम उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हेलो, वो मंत्रालय पहुंच गया है, हम वही मारेंगे उसे। अरे ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे उसे वहां मारेंगे तो पूरे स्टेट में फटाफट न्यूज फैल जाएगी। माँ जी। हाँ बेटा। ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट संभालिए, मैं अंदर जाकर लेता हूँ। ठीक है। माँ जी पैकेट ये लो बेटा। भाई वो अंदर चला गया, चलो चलते हैं। हाँ। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा ना, वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। सर डीजीपी सर मीटिंग में हैं। हम तो उन्हें इनविटेशन देने आए थे, भतीजे की मंगनी है ना। वेट कीजिए प्लीज। चलो भतीजे, चलो चलो। कहाँ मर गया वो? अरे वो रहा। जाओ जाकर खत्म कर दो उसे। आसानी से डीजीपी को टपका दिया इसने, तो हम किस खेत की मूलियां भतीजे। सुनो मर्डर प्लान कैंसल, हम तो इसका बैकग्राउंड तक नहीं जानते, वो हमें देखे इससे पहले सटक लो, मुंह छुपा लो। चाचे मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मेरी तो हर जगह दर्द हो रहा है। ए जरा पीछे मुड़ के देखो कि वो गया है कि नहीं। ए सुना नहीं, इतनी गोली खाएगा तो जाएगा ही ना। बेवकूफ कहीं के, मरने वाले को नहीं मारने वाले को देखो। लगता है वो चला गया है। बच गए। बाबजी को आज तक इतना बुखार नहीं हुआ है, इन्हें देख के मुझे टेंशन हो गई है। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से बुखार आया है। क्या इन्होंने पास से कोई हादसा देखा था? हाँ बहुत ही भयानक हादसा, इसीलिए कोई दवाई काम नहीं कर रही है। भूल जाओ। किसे भूल जाओ, भतीजे को? नहीं नहीं, हादसे को। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीजीपी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी टेररिस्ट ग्रुप का, गैंगस्टर का या नक्सलाइट? पुलिस इस हादसे की जाँच कर रही है। अरे भतीजे हमारी किस्मत अच्छी थी, अगर हम उससे पूछते कि वो हमारे मधु से प्यार क्यों करता है तो वहीं वो हमारा गेम बजा डालता। कौन सा गेम सर? सांप सीढ़ी डॉक्टर, जिसमें सांप के काटने के बाद प्यासा पानी नहीं मांगता। आपको लेट हो रहा है। हाँ हाँ। भैया भैया सुबह तो ठीक ठाक थे, अचानक क्या हो गया? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने समझा, मैं मुझे सब कुछ मालूम है फिर भी कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मुझे भैया से बात करनी है। तुम हालचाल पूछ रही हो या इंटरव्यू ले रही हो इसका? इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, आराम करने दो इसे। कितनी कटकट करते हो, आज बहुत अच्छा दिन है। किस लिए, उसे मारने के लिए? चुप रहेंगे। भैया मुझे किसी से प्यार हो गया है। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ चल रहा है, पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, तुम्हारी बातों से बम की तरह फट जाएगा। जी नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम सुनकर भाई उछल पड़ेंगे। उछलेंगे तो, पर डर से। भैया मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उसे जानते हो। कौन है वो? चेरी ना, मीठी छुरी है वो, मीठी मीठी बातें करके सीने पर चल सकती है। देखिए अंकल, मुझे पता है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर ऐसी बातों से भैया नाराज हो जाएंगे। छी, अब बोलो ना भतीजे, कब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? तुम जाओ ना यहाँ से। आप चुप रहिए। भैया चेरी आपसे मिलने आया है। क्या? अरे सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना,
आप इस तरह क्यों लेटे हैं? एक बड़ा हादसा देखकर इनकी तबीयत टाई टाई फिश हो गई। क्या देखा इन्होंने? को एक या दो नहीं बल्कि छह छह गोलियां मारी गई। ये पहले से ही डरे हुए हैं और आप लोग इन्हें ऐसी डरावनी न्यूज दिखा रहे हो। आपने जो हादसा देखा था कहीं ये वही तो नहीं? हम क्यों देखेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। असल में इसकी राहु की दशा भारी चल रही है, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मधु ने आपको सारी बातें बता दी होंगी ना? वो कह रही थी कि आपने बचपन से इसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब इसकी शादी की इच्छा है, आप वो भी पूरी कर देंगे ना? कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं अच्छा लड़का हूँ, ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ये क्या बोल सकते हैं, हम सबको मंजूर है, जरा हंस दो तब इसे यकीन होगा। चलो ऐश करो। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। थैंक यू तो तुम दोनों को मुझे बोलना चाहिए। क्यों? तुम दोनों की सेटिंग किसने करके दी? मैंने। मैं बाबूजी का नाम लेकर इस जाड़िए की बहन को देखने गया था, फिर मैं तुझे यहाँ लाया, तूने ये आइटम देखी, आइटम को तू पसंद आ गया। नहीं, अब अपनी ये बड़बड़ बड़बड़ बंद कर, तुम्हें जो चाहिए मिल गया ना, अब बाबूजी को आराम करने दे, चल जा। बाबूजी डोंट माइंड अगर मैं मधु को फैमिली से मिलवाने घर ले जाऊँ तो चलेगा ना? तुम्हें अब ये कैसे मना करेगा, जाओ ले जाओ, अब क्या कर सकते। वाह, आप आदमी हटके हैं। मैं सब समझता हूँ, मस्का मत लगाओ, अब जाओ यहाँ से जल्दी। चलाए जलेबे, आपने मुझे बुलाया। अच्छा चेरी, तुम दोनों तो मिल गए, अब इस मिलने की खुशी में तुम दोनों गेट टुगेदर करो और हम मामा के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर, मामा एंजॉय। थैंक यू। सुन बे गेंडे, बाबजी की बहन की शादी तो फिक्स हो गई, अब अपनी बहन की भी कर दे, मुझसे बढ़िया वर नहीं मिलेगा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, अब मेरा बैकग्राउंड तुझसे बड़ा और मजबूत है ना हाथी भाई? प्लेट लगाओ। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना डालो। मुझे अपने जैसा बनाना है क्या? आएगा तो कम हो जाएगा। हाँ? मैं क्या पेटू हूँ जो इतना खाऊंगा, ये हाथी भी नहीं खा सकता। हाथी मेरे साथी इतना खाना देखकर सर चकरा रहा है। ए जलेबी, मैं लोगों को बड़े ही प्यार से खाना खिलाता हूँ, परोसे हुए खाने को जो खत्म ना करे उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो फैसला तुम्हें करना है जलेबी, तुम जिंदगी भर ये दावत नहीं भूल पाओगे। शुरू करो। लगता है ये मर्डर का नया स्टाइल है, दूसरे मार मार कर मारते हैं, ये खिला खिला कर। क्या हुआ? बाद में होगा। इतने भुक्कड़ हो, कंट्रोल नहीं होता, इतना खाना खाया कैसे? मर्जी से नहीं खाया, ठूसा जबरदस्ती। जानता हूँ बात कुछ और है, सच सच बोल रहे यार। हाथ हटा, ये मेरा पेट है, ढोलक नहीं जो तू बजा रहा है। सॉरी, लेकिन सच बता ना। तू डॉक्टर है या फिर वकील है, मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तू सवाल पूछे जा रहा है? अपुन मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई हो या मुन्नी भाई, मेरा ऑपरेशन कर और खाना बाहर निकाल, मेरा सर मत खा। हम बच्चा बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं, खाना नहीं। इस तरफ सर, यहां है बॉडी। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन की हमारे पास सारी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड है सर। प्ले सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा। हे, ये लोग कौन है जो तीनों कैमरे में दिखाई दे रहे हैं? ये बाबजी नाम का नामचंद गुंडा है और ये उसका अंकल। वो क्या कह रहा है, ऑडियो सुनाओ। इसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है सर। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई लिप रीडिंग एक्सपर्ट है जो इसके कहे हुए शब्द हमें समझा सके? हाँ एक है। कौन है वो? सर आप है मुंह बोला, लिप रीडिंग करते हैं। हेलो सर। पक्के बेवड़े लगते हो। सही पहचाना आपने, इस आउटसिंक भरी दुनिया में सिर्फ अकेला मैं सिंक में रहता हूँ सर। सारा दिन टुन रहते हो? बिल्कुल नहीं सर, शराब तो इंसान को पी जाती है, लेकिन मैं शराब को सोच समझ के पीता हूँ। जैसे कोई इनकाउंटर करने जाना हो तो मैं दारू का इनकाउंटर करता हूँ सर। ये बताओ तुम देसी पीते हो कि विदेशी? गवर्नमेंट जॉब में विदेशी कहाँ बचेगी साहब, देसी पीता हूँ। ठीक है ठीक है, टेप दिखाओ इसे। प्ले। स्टॉप, रिवाइंड एंड प्ले। देखना बाबजी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ग्रेट ग्रेट सिंक, तुमने लिप के हिसाब से बढ़िया सिंक किया। इतने साल आउटसिंक रह के मैंने सिंक करना सीखा है सर। इन सबको पकड़कर तुरंत यहाँ लाओ।
जी सर। तुम अकेले जाओगे या तुम्हारे साथ पुलिस फोर्स भेजूं? वाइन शॉप फोर्स के साथ जाता हूं सर, क्रिमिनल को पकड़ना हो तो मेरा फोर्स काफी है। कमाल का कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। थैंक यू। चलो, भविष्य का सोचकर चाचे मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सब का भविष्य अंधेरे में लग रहा है मुझे। रिमोट तो अब उसके हाथ में है ना, वो जो पिक्चर दिखाएगा वो हमें देखनी पड़ेगी। लुट गए रे नैया। हाय, इसके घर के सामने तो मेयर का घर झोपड़ा लगता है। कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करूँ। हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया, चल निकल। इसे किसे बंद किया? दिमाग खराब है? इसका भी जवाब दूँ? मेरा भतीजा बीमार है। वो भी देसी पीता है क्या? पागल हो क्या? ये कोई पीने की जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। जैसे गाड़ी को पेट्रोल, मेरे दिमाग को इस खुराक की जरूरत है। बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है कोई सवाल? अबे तुझे खत्म करने में सीबीआई एजेंट को देर नहीं लगेगी। तुम से पूछताछ करनी है, चलो। सुन बे, जब पुलिस कमिश्नर बुलाता है तो भी हम नहीं जाते। तू तो देखने में कांस्टेबल लग रहा है, अब ज्यादा बकबक मत कर, निकलो। मैं कोई आलतू फालतू पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं सीबीआई से हूँ, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चड्डी में चलोगे या पतलून में। चलो आप चलिए, हम आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, क्या करते हो तुम लोग? साहब हम लोग छोटा मोटा सेटलमेंट करते हैं। अपना आप बंद रख। हम छोटे छोटे सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? अब हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट न मिलने के मैटर, साथ में पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं। आपके घर में भी हो रहे हो तो हम उसे भी सेटल कर देंगे गारंटी के साथ। झगड़ा नहीं, हम प्यार से रहना सिखाते हैं सर, प्यार से। उफ, ये बताओ तुम 21 तारीख को मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय? वो कहाँ है? वो क्या है सर, जब से मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई है हम घर से बाहर ही कहाँ गए। झूठ, वो भी सफेद। सच बताओ मुझे। अब झूठ क्यों बोलेंगे, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ हमारा उठना बैठना है, हम एक ही कप में चाय पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे, हम तो घर पर ही चाय पीते। ये क्या बार बार वही सवाल पूछ। यहाँ क्या बोल रहे थे तुम? वो मैं कह रहा था आज शुक्रवार है ना, तो महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे, यही बोला था। मर्डर तो मंगलवार को हुआ था। छी छी छी, मंगलवार हो या शुक्रवार, मंदिर रोज जाना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए भतीजे को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, बस इसलिए मंदिर की बातें कर रहे थे। ओ, गलती हो गई हमसे। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ये वॉइस तो मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप? सब कुछ याद आ गया, आपने सही कहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन वहाँ पर कौन सी सिचुएशन? एक लड़के ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे, बस एक छोटी सी वार्निंग देने गए थे, पर उससे पहले हम खुद डर गए। अच्छा, इसका मतलब तुम जिसकी तलाश में गए थे असली खूनी वही है? आप तो यूं ही मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाहते हैं। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे नहीं पता। देखिए सर, मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द और मेरा दांत दुख रहा है। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो बहुत ही सिंपल है रे। चलो चलो। सुनो, उस लड़के का क्या नाम है जो तुम्हारी बहन से प्यार करता है? चरण, निकनेम चेरी है। वो करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? बोलो ना। सीजी ट्रिक्स पनवेल सेक्टर 2। ठीक है, अब निकलो। चलो चलो।